بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله وسلم وبارك على أهله وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين अम्माबाद फलन व सहलन व मरहबन في هذا الدرس. सबसे पहले हम तमाम मुशारकिन का इस दरस में ख़ैर मक़दम करते हैं वेलकम करते हैं ये जो हमारा दरस है आज का ये है अरबी। तारीख़लादबिलबी अरबी। हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर तो ये जो बाकी दुरूस हमारे हुआ करते हैं जो अरबी ज़बान जिसमें सिखाई जाती है तो उसमें फ़ोकस उस पर होता है या जो कुरानिक दरूस होते हैं तो कुरानियात पे उस वक़्त बात होती है या जो अहदीस के मतलब होते हैं, तो उसमें अहदीस पे बात होती है तो ये जो दर्स है इसमें सिर्फ अदब के रिलेटेड जो है बात होगी और ये अदब वो अदब नहीं है जो हम उर्दू में कह रहे हैं अखलाक के माने में तो इसके मतलब इन शे गुफ्तु होगी तो अदब से यहाँ मुराद हैं लिटरेचर तो ये जो हमारा टाइटल है इस दर्स का ये है तारीख़ल अदबिलबी तारीख अदबिल अरबी तो इसमें आपको दिख रहे हैं कि इसमें तीन अलफाज हैं एक है तारीख़ दूसरा है अल अदब और तीसरा है अल अलबी तारीख अरबी तो तीन अल्फाज हैं जो पहला लफ्ज आप देख रहे हैं यह है तारीख और ये यहाँ पर मुजाफ आया है जैसे कि नीचे लिखा हुआ है मुजाफ और अल अदबी जो है यह है मुजाफ अल अरबी जो है यह है सिफा अदब की तो यहां पर इस तरकीब में आप देखेंगे तारीख मुजाफ है अल अदब मजाफ अले है और साथ में ये मौसू भी है अलरबी इसकीफ़त है और इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो ये है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर तो सबसे पहले जो वर्ड है तारीख़ इस पर हम थोड़ा बोलेंगे वो ये है कि तारीख़ जो लफ्ज़ है ये अर रखा यो अर रखु तरीखन से बना है जिसके मानी है किसी वाक़ या किसी हादसे की या कुछ अगर इवेंट हो जाए उसकी डेट बताना उसकी डेट जो है वो मुतन करना तहदीद वक्त करना कि ये वाक़ कब रोनमा हुआ है तो ये तारीख़ का लफ्ज है इसलिए जब हम तारीख़ पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम सिर्फ डेट देखते हैं कि फ़लानी जो वाक़ रोनमा हुआ ये इस तारीख़ में रनमा हुआ फिर उसके बाद ये वाक़ रोनमा हुआ ये इस तारीख को रोनमा हुआ तो तारीख़ का काम ही है कि जो हवादिस और जो इवेंट्स रोनमा हो जाए उनकी डेट मुतन करना उनकी डेट डेट जो है उसकी तहदीद करना उसको बयान करना उसको कलम बंद करना उसको लिखना रजिस्टर करना ये तारीख का काम है लेकिन यहाँ जब हम लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तारीख अदबिल तो ये जो तारीख़ है ये ख़ास एक हिस्से की है और वो है आराबी। अलरबी अलादबालबी जो है अरबिक लिटरेचर की तारीख है यानी अब तक जो कुछ दुनिया में गुज़र चुका है मुख्तलिफ़ चीज़ें गुजर चुकी है और मुख्तलिफ़ लैंग्वेज है उनका अपना लिटरेचर है ये उसके मतलक नहीं है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ़ अदब अलारबी के बारे में यानि हम इसमें तारीख पढ़ेंगे जो मुख्तलिफ़ रोनमा हुए वाक़ है वो कब वाक़ हुए उनमें क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे सिर्फ उस रिलेटेड उन वाकयात के बारे में उन हाँ हादसा के बारे में जो अल अदब अरबी में रोनमा हो चुके हैं अल अदब अल अलबी तो इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है हमारा वो है अल अदब जो इस वाली फ्रेज में मुजाफ़ मजाफिल आया है और साथ में ये मौसू भी आया है और इसकी सिफत अलबी है अदब जो लफज है आ, इसके बारे में यह है कि अदब जो लफ्ज़ है हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं आदाबा या अदीबू अदबन आदाबा या अदीबू अदबन तो इसका इसकी मीनिंग जो आम तौर तो पर इस्तेमाल होती है वो ये है कि अकाम वलीमा कि किसी ने वलीमा जो है तैयार किया है और उसमें खाने की दावत दी जा रही है अदावाम तो उस मीनिंग में इस्तेमाल होती है हम इसके बारे में अभी थोड़ा और गुफ्तगु करेंगे कि जो लफ्ज़ अदब है ये किन मानी में इस्तेमाल किया गया है तो इसी तरह हम कहते हैं अदूबा यादूबू तो इस इस तरह भी जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है या हम कहते हैं अगर हम किसी को जो है सही राह दिखाएंगे तो मिसाल हम कहेंगे अदबल उसताबा जो उसद है उसने तलबा को अच्छी जो है अच्छे अखलाक की तरफ रहनुमाई की है यानी हज़बहम या इसी तरह हम कहेंगे अदबल वबन हु तो हम कहेंगे कि यानी रबाह तो इस तरह करके तरबियत करना अच्छे अखलाक़ की तरफ रहनुमाई करना अदब की मीनिंग में इस्तेमाल होता है और अल अलरबी यहाँ पर अदब की सिफ़त है यानी ये जो हम तारीख़ पढ़ेंगे ये हम लिटरेचर की पढ़ेंगे लेकिन कौन से लिटरेचर अलरबी अरबी लिटरेचर की तो अगर हम किसी और लैंग्वेज की लिटरेचर पढ़ेंगे तो हम उसमें बोलेंगे तारीख़ अदबिल मिसाल इंजलिजी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री तारीख़ल अदबिल कश्मीरी कश्मीरी लिटरेचर की हिस्ट्री तो ये जो अरबी हैं ये अदब की सिफ़त है और ये हम कोई भी लैंग्वेज अगर हम यहाँ पर इजाफ़ा करेंगे मुजक्कर करेंगे इस्तेमाल क्योंकि अदब जो वर्ड है यहाँ पर मुजक्र आया है तो हम यहाँ पर वो लफ्ज़ जो है मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे ताकि सिफत जो है वो मौसू की पैरवी करेगा तानिस में जिस तरह एराब में करता है जिस तरह तारीफ़ और तनकीर में करता है अला कुल लिहाल तो ये जो अदब अरबी की तारीख है इसमें हम जो है एक तो सबसे पहला जो हमने बोला कि तारीख जो है ये हम कहते हैं कि तहदीदलवक्त वक्त बयान करना तहदीदुल तारीख़ वक्त तारीख डिनोट करना अरबी अरबिक लिटरेचर की तो हम इसमें यही सीखेंगे तो अब जो अरबी हिस्ट्री है उसकी जो हमें तारीख बतानी है कि कब क्या हुआ है तो इसके लिए जो अरबिक लिटरेचर है वो हम जानते हैं कि कम से कम सोलह सौ साल पर मुश्तमिल है जिस तरह अंग्रेजी लिटरेचर छः सौ सात सौ सालों पर मुश्तमिल है उर्दू लिटरेचर दो सौ तीन सौ सालों पर मुश्तमिल है तो इसी तरह अरबिक लिटरेचर जो है सोलह सौ सालों पर मुश्तमल है तो ये जो सोलह सौ साल है इसकी तयन करेगा कि को, किस दौर में या किस वक्त कौन सा वाक़ रोनमा हुआ है तो इसके लिए हमने जो है अरबी अदब की जो तारीख है उसको मुख्तलिफ असूर में मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ पीरियड्स में जो है इसको तकसीम किया है तो यहाँ पर आप यहां पर हमने लिखा है कैफियत तकसीमूर असर जमा असूर का मतलब है पीरियड हम अरबी अदब की तारीख जो सोलह सौ सो सालों पर मुश्तमल है इसको हम किस तरह तकसीम करते हैं एक तो यह है कि हम सोलह सौ सो सालों को तकसीम कर सकते थे सीधे इस तरह हम कहेंगे कि सोलह सौ सो साल है अगर हम इसके आठ हिस्से करेंगे तो दो दो सौ रखेंगे साल दो सदियाँ रखेंगे एक पीरियड दो सदियाँ रखेंगे दूसरा पीरियड तो इस तरह हम तकसीम कर सकते थे लेकिन ये जो तकसीम हम कर रहे हैं ये हम एक ख़ास चीज़ को मद्देनजर नज़र रखते हुए करते हैं तो इसके बारे में इन्होंने जो है लिखा है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है कि ये जो तारीख अदब अरबी है या इसके जो अदवार है ये किसी एक खास शक्ल में जो है ठहरे हुए नहीं है बल्कि ये जो मुख्तलिफ असूर हमारे पास है हमने इस तारीख़ को इस सोलह सदी, सो, सोलह सदियों पर मुश्तमिल अरबी हिस्ट्री की तारीख को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया है क्यों क्योंकि ये जो अदब अरबी है इसमें उतार चढ़ाव आया इसमें मुख्तलिफ चेंजेस आई है हालात के अतबार से वफ़ कलूफ़ अलआवासरा फालक वक्त मुख्तल अवकात में जो जरूरफ थे जो हालात थे जो अवामिल और दवाफे थे उन्होंने जो है अदब पर एक ख़ास असर किया है तो इस एतबार से अदब को मुख्तलिफ जो है हिस्सों में तकसीम किया गया है तो सबसे ज्यादा जो असर अदब पर हुआ है वो हुआ है सियासी हालात का हम अगर किसी भी कौम को पढ़, पढ़ना चाहेंगे किसी कौम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम उसको उसकी अदबी तारीख पढ़ सकते हैं हम उसकी समाजी हालत पढ़ सकते हैं हम उसकी इकतदी हालत पढ़ सकते हैं हम उसकी सियासी हालत पढ़ सकते हैं तो आम तौर पर जिस चीज़ का गलबा रहता है आ, समाज पर वो है सियासी हालात का सियासी जो सियासी जो जिसके पास सियासी क़वत होगी वो जो चाहता है आम तौर पर वही जो है पूरी सम पूरे समाज में छाया रहता है तो सियासी तारीख के एतबार से ही अदबी तारीख को भी मुनकसम किया गया है इसको भी तकसीम किया गया है तो तारीख वादबरबी को पढ़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो अरब दुनिया में सियासी तारीख रही है वो क्या रही है सियासी अतबार से जो मुख्तलिफ अदवार गुज़रे हैं वो कैसे गुजरे हैं और कौन कौन से अदवार गुज़रे हैं और चूँकि जो हम पढ़ेंगे अभी तारीख़ मख्तल अदवार इसके अरबी हिस्ट्री के लेकिन ये जो तारीख हम बता रहे हैं मिसाल के तौर पर मैं बात करूंगा अभी जो है हम असरे जाहली की बात करेंगे अभी तो हम कहेंगे कि ये तकरीबन नबी करीम अलैहि वसल्लम की बियात से कबल डेढ़ सौ साल या दो सौ साल कबल शुरू हुआ है और नबी सल्लम की बियासत के वक्त से पे ख़त्म होता है असर जाहली लेकिन क्या इसी साल एक ही साल में मुख्त हालात बिल्कुल पलट गए होंगे नहीं ऐसा नहीं है या इसी तरह हम फिर इस्लामी दौर की बात करेंगे हम कहेंगे असर खिलाफत के इंतहा से जो है इस्लामी दौर ख़त्म होता है क्या उस वक्त पूरे हालात पलट जाएंगे नहीं ऐसा भी नहीं होता इसी तरह हम असर उमवी की बात करेंगे एक सौ बत्तीस हिजरी तक जो है उमवी ता, सल्तनत रही है तो क्या हम ये कहेंगे कि एक सौ बत्तीस हिजरी से पहले जो हालात थे वो बिल्कुल अलग है और 132 सौ हिजरी के बाद के जो हालात है वो बिल्कुल अलग है नहीं ऐसा नहीं है तहदीद बिल्कुल नहीं है बल्कि ये एक अंदाज़ा है कि इस साल के बाद जो है हालात जो है वो मुख्तलिफ हो गए हैं बद, बदल गए हैं तो सबसे पहला जो हमारा हमारे पास है वो है अलरुलजाहली जो अरबी अदब की जो मुख्तलिफूर है पीरियड्स हैं सबसे पहले ये शुरू होता है असर जाहली से जाहली दौर से द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस जिसको हम बोलते हैं और ये लिखा गया है कि ये इस्लाम के ूर पजीर होने से पहले यानी नबी वसम की आमद से पहले जब हम इस्लाम की बात यहाँ पे करते हैं तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात करते हैं न कि आदम अलैहि सलाम की तो गर्चा इस्लाम बहुत पहले से था आदम अलैहि सलाम से ही था लेकिन जब हम इसमें हम बयान करते हैं यहूदियत के मुकाबले में या नसरानियत के मुकाबले में या बाकी अदयन के मुकाबले में जब हम इस्लाम की बात करते हैं इस उम्मत में तो हमारी मुराद होती है नबी करीम सलम की आमद तो इन्होंने लिखा है कि ये इस्लाम के जहूर पजीर होने से पहले सेवेंटी ईयर्स पहले दौर शुरू हुआ है यानी हम कहेंगे नबीम की बेअत से पहले सत्तर साल ये दौर जो है शुरू होता है और नबी समद से जो है ये दौर इख्ताम को पहुंचता है जाहली दौर जो है ख़त्म हो जाता है ये कुछ लोगों का काउल है और कुछ लोगों का कहना है कि नबी करीम की बेसद से पहले एक सदी डेढ़ सदी और कुछ लोगों का कहना है कि 200 सदी 200 200 साल पहले जो है यह दौर शुरू होता है ये जो सत्तर साल कहें गालिबन यवक दाइफ ने कहा है और डेढ़ सदी और दो सदी पहले नबी वसल्लम की बेसद से यह दौर शुरू हुआ है ये गालिबा जाहिज का कौल है और आमतौर पर इसी कौल को लिया जाता है कि डेढ़ सौ साल या दो सौ साल पहले नबी नबीम की बेसद से जहली दौर शुरू होता है और इसके बाद जो दूसरा दौर आता है वह है इस्लामी दौर और ये दौर जो है नबी कईम सलीम की बेसद से शुरू हुआ और जब खिलाफत अख्तित को पहुंची है चालीस हिजरी में तकरीबन उस वक्त ये दौर मुकम्मल होता है इसके बाद जो तीसरा दौर आता है वो है असरमवी जिसके अदब को जिस उस दौर में अदब आया है उसको हम अल-आदबुल उमवी कहते हैं तो ये जो दौर है तीसरा दौर अला असर उमवी जो है ये खिलाफत के बाद यानी चालीस हिजरी के बाद ये शुरू होता है और ये ख़त्म होता है खिलाफती उमवी जो है जब वो ख़त्म हुई है एक सौ बत्तीस हिजरी में इसके बाद जो दौर आता है वो है अलादबाब्बासी यानि अलासर अब्बासी अब्बासी, अस, अब्बासी दौर और ये दौर शुरू हुआ कब एक सौ बत्तीस हिजरी में और ये अख्तितम को पहुंचा है छः सौ छप्पन हिजरी में छः सौ छप्पन हिजरी में शौकी देशफ़ ने इस दौर को दो हिस्सों में तकसीम किया है अल अलासर अब्बासी जो कि खत्म हुआ है दो सौ बत्तीस हिजरी में और अल-आसुरल सानी जो ख़त्म हुआ है छः सौ छप्पन हिजरी में तो अगर आम तौर पर हम सीधे असर अब्बासी को एक ही जो है तकसीम करेंगे तो हम बोलेंगे कि 132 हिजरी में शुरू हुआ और छः हिजरी में ये ख़त्म हुआ छः हिजरी का मतलब है बारह मिलादी जिसको हम ईसवी बोलते हैं उसमें यह ख़त्म हुआ है और इसके बाद जो दौर आया है वो है अल-आसुरुल ममलुकी ममालिक का दौर और इसके साथ हम जोड़ते हैं अलासर उस्मानी, उस्मानी दौर क्योंकि मालिक की जो हुकूमत थी वो कुछ अलाकाजात में थी और उस्मानी उस्मानी दौर जो है, उस्मानी जो है है हुकूमत वो कुछ अलाकाजात में थी तो ये दौर जो है छप्पन हिजरी में शुरू हुआ ममालिक का जब गलबा था नौ सौ बत्तीस हिजरी तक उनका गलबा रहा और उस्मानियों का जो गलबा रहा है वो यही नौ सौ फोर्टी थ्री जो लिखा है वहाँ से शुरू हुआ और नहायत हरबिल आलमिया अलूला पहली आलमगीर जंग जो हुई है उस वक्त तक उनका रहा है बल्कि कुछ लोगों ने इसको जो है सतारह सौ वन सेवन नाइनटी एट सतारह सौ अठानवे हिजरी तक इस दौर को गिना है और यही ज्यादातर मुलिफिन लिखते हैं सतारह सौ अठानवे हिजरी तक असर उस्मानी बाकी रहा है और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ है उस दौर को हम कहते हैं अल असरहदीस अलसरुलदीस या अल-असरुल ज़दीद, अलासरुलजदीद अलासरहदीस ये हाद या सा हदीस तो नया जिसको हम बोलते हैं तर्जमा आ, नया दौर या अल-असरुल असर से मुराद है, जदीद दौर और फिर इसके मतलब जो है जो है हम इसको जो है तकसीम जो इसको की गई है उसको हम इस ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं कि असूर मीन पीरियड तारीखबिल आरबी रबिक uh, हिस्ट्री के जो मुख्तलिफ अदवार है असर मीनस पीरियड असूल मीनस पीरियड्स पीरियड्स ऑफ अरबिक हिस्ट्री आरबिक लिटरेचर हिस्ट्री जो है वो ये है जहरी दौर डेढ़ सौ सदी डेढ़ सौ साल नबी स्लम की बीसत से पहले यहाँ तक कि नबी स्ल्लम की बीसत जो है वाक़ हुई और इसके बाद दूसरा दौर है अलासल इस्लामी नबी स्लम की बीसत से लेके चालीस हिजरी तक अलासलमवी चालीस हिजरी से लेकर कर एक सौ बत्तीस हिजरी तक अलासल अब्बासी एक सौ बत्तीस हिजरी से लेकर 656 छः सौ छप्पन हिजरी तक और असलमालिक उस्मानी ये रहा है छ छः सौ छप्पन हिजरी से लेकर कर सत्रह सौ अठानवे मीलादी तक यानी बारह सौ छप्पन मिलादी से लेकर कर सत्रह सौ अठानवे मीलादी तक यानी एक लंबी चौड़ी एक हुकूमत जो है रही है इनकी और इसके बाद जो दौर आता है वो है असर हदीस जिसको हम कहते हैं जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर हमला किया था सत्रह सौ अठानवे मीलादी में उस वक्त से ये जो दौर शुरू हुआ और ये दौर आज तक चला आ रहा है जदीद दौर के नाम से ये मौसूम है तो ये जो हम मुख्तलब अदबार अभी देख रहे हैं तो हमने ये पढ़ना है इस हिस्ट्री में तारीख़ल अदबिलबी में हमने ये पढ़ना है कि जाली दौर में अरबी जो लिटरेचर है अरबिक लिटरेचर में क्या क्या था नसर में क्या था नजम में क्या था कौन सी कस्में थी उस दौर में और कौन कौन से उदबा और शुरा रोन हुए जहूर पजीर हुए पहले हम पढ़ेंगे असर जाहली में फिर हम पढ़ेंगे असर इस्लामी में फिर हम पढ़ेंगे अशर उमवी में कौन कौन से बड़े बड़े शुरा और बड़े बड़े उदबा जो हैं जहूर पजीर हुए इसी असर अब्बासी में इसी तरह असर ममालिकमानी और इसी तरह असर हदीस में तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम आश्र जाहली में तो किसी भी दौर का अगर आपने अगर आपने उसकी हिस्ट्री पढ़नी है उसके अदबी हालात को जानना है तो आपने उसकी सियासी हालात को भी जानना होगा आपने उसकी इकतदी हालात को भी जानना होगा आपने उसके अकतसादी हालात इजमाही हालात और दीगर हालात को भी जानना होगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर जाहिली में जो सियासी हालात थे वो क्या थे तो जो आ, जो असर जाहिली है उसमें जो सियासी दीनी और फिक्री और इज्तिमाही हालात जो थे उनके मतलब सबसे पहले हम बताएंगे कि सियासी हालात क्या थे जो सियासी जो प्लेटफॉर्म वहाँ पे था उस वक्त हमारी तरह जो आज हम देख रहे हैं बड़ा मुल्क है उसमें मुख्तलिफ स्टेट्स हैं हर स्टेट में अपनी अपनी एक हुकूमत है और वो सब जो है ताबे है एक मरकजी हुकूमत के उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था बल्कि वहाँ पे एक कबीला जो हुआ करता है एक कबीला वो एक खुद एक हुकूमत थी और खुद एक मुल्क जैसा था जैसे एक कबीला जो है आज के एक मुल्क की तरह था उसमें खुद जो है एक अपनी एक हुकूमत हुआ करती थी वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे अपने मसाइल में जिस तरह वो चाहे उस तरह वो करते थे उनका एक जयम हुआ करता था एक जयीम हुआ करता था एक रईस हुआ करता था हेड हुआ करता था जो उस कबीले में हकम भी हुआ करता था वही जो है उसका बादशाह हुआ करता था वही वहां पे तमाम कस्म के फैसले जो भी फैसले होने करने थे वो खुद करता था उसको हम जईमलकबीला या रईसबीला कहते थे तो जो रईसलकबीला होता था ये जो है कभी कबार बाकी जो दीगर कबाइल हुआ करते थे उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा भी करते थे और उनके साथ अगर बातचीत करनी होती थी तो यही कबीला जो है ये फैसला करता था तो इस तरह करके तमाम इख्तियार रईसुल कबीला के हाथ में थे और वो जो डिसाइड करता था वही होता था तो कभी कबार ये कबाइल आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करते थे और कत्ल एक कबीला एक दूसरे कबीले के किसी आदमी को कत्ल करता तो उनके जो है आपस में लड़ाइया सालों साल चलती थी हरबुल बसूस बो, और दाहिस व घबरा की जो आपने सीरत में पड़ी होगी कि वो लड़ाइया जो चालीस चालीस साल तक चलती रही वो इन्ही कबाइल के दरमियान हुआ करती थी तो ये जो कबीला है इसमें जो है आमतौर पर चार सौ अफराद जो है जो बड़ा कबीला होता था उसमें चार सौ अफराद या पाँच सौ अफराद हुआ करते थे और जो छोटे कबीले हुआ करते थे वो दो सौ या तीन सौ अफराद पर मुश्तमिल होते थे और जो जितना बड़ा कबीला होता था उसके पास उतनी क़वत होती थी और बाकी जो कबाइल है वो जो है उनसे डर के रहते थे और ये कबाइल जो है एक दूसरे के साथ तजारत भी किया करते थे और इसके साथ इनके आपस में जो है आ, जो है तजारती ताल्लुक थे और हर कबीले में एक एक शायर हुआ करता था आम तौर पर जो है हर कबीले में एक एक शायर हुआ करता था जो शायर जो है अपने कबीले की तारीफ़ किया करता था और बाकी जो कबाइल हुआ करते थे उनकी हिजू किया करते थे उनकी मजम्मत किया करते थे उनकी मुखालफत किया करते थे तो ये जो है सियासी हालत जो थी उस वक़्त वो यही थी कि वहाँ पे कबायली निज़ाम था कोई ख़ास हुकूमत नहीं थी तो जो तमाम कबाइल थे उनका अपना अपना एक जयम हुआ करता था लीडर हुआ करता था जो वहाँ पर जो है आ, आ, फैसले वगैरह करते थे और जिस कबीले के पास जितने जो है नौजवान हुआ करते थे मर्द हजरात हुआ करते थे वो कबीला उतना ही ज्यादा ताकतवर समझा जाता था बल्कि होता था और इस वजह से भी कुछ लोग जो है जब ये लड़ाइया वड़ाया करते थे बहुत ज्यादा और फिर मर्द जो है वहाँ उनके कत्ल किए जाते थे और उनकी औरतें जो है वो लोंडिया बनाई जा रही थी तो इस डर से भी कुछ लोगों ने जो है अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया था कि ताकि एक तो ये हमारे किसी काम की नहीं है ये जंग में हमारा साथ नहीं देंगी और दूसरा ये था कि अगर हम पे जो है कोई और कबीला दावा बोल दे और हमें कत्ल कर दे तो हमारी इन बेटियों को जो है उनकी कनीज बन के रहना पड़ेगा उनकी लोंडिया बन के रहना पड़ेगा इस वजह से भी वो लोग कत्ल किया करते थे अपनी जो है आ, बेटियों को और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा शादियां भी करते थे जो जिस जो, जो जितना शादियां चाहता था वो उतने उतनी शादियां करता था ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हों और ज्यादा से ज्यादा उनकी कौम में नौजवान जो है पैदा हो जाए और वो जो है उनके लिए जंग लड़ें तो इस तरह करके ये थे उनके हालात और इस तरह जो दीनी एतबार से जो उनका मामला था तो दीनी एतबार से वहाँ पे कोई जो है खास दीन जो नहीं था अलबत्ता आम तौर पर जो लोग थे वो परस्ती में जो है मुलवस हो चुके थे और जो यसर यासरिब इलाका था जिसको बाद में मदीना मनौर नाम पड़ा वो लोग जो है यहूद थे वहाँ पर अवस और खजरज खास कबाइल है उनमें से तो इस तरह करके बुद और यहूदी और जो है यहूदी ज़्यादातर वहाँ पे थे और कहीं कहीं पे जो है नसारा वगैरह भी थे जो ख़ासतौर पर जो शुमाली इलाका है शाम वगैरह लुबनान वगैरह वहाँ पे वो भी थे तो इस तरह करके ये उनकी दीनी हालत थी अदबी जो एतबार है अदब के एतबार से जिसकी हमने हिस्ट्री पढ़नी है तो अदबी से जाहली दौर जो है हम कहते हैं कि शायरी और नसर दोनों में जो है हमारे पास जो है आ, कुछ मिलता है जो उन्होंने कहा है खास तौर पर शायरी में आ, उनके जो कसाइद है वो बहुत ही मशहूर है और उनका जो है मकाम व मरतबा बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा है और बहुत बुलंद है और उसको जो है ये माना जाता है कि वो सबसे अच्छा लिटरेचर है अरबिक लिटरेचर में अब तक का भी और वो जो अरबिक लिटरेचर जो जाहरी दौर में कहा गया था शायरी में वो कहा मिलेगा हमें वो है एक किताब है अलमुफ अलियात इसमें मिलेगा अलमआलकात इसमें मिलेगा और इस तरह कुछ लोगों ने जो है मुख्तलिफ जो शुरा है उनके दोवी को जो है जमा किया है इसी तरह असमियात भी है और इसी तरह अबू जैद कृषि का है एक मजमु उसमें भी जो है वो हमें मिलेंगे जो अशार उन्होंने कहे है लेकिन ये जो तमाम ये जो मजमूे हैं मुफदलियात है मत है या दीगर जो है ये बाद में जब जमा किए गए हैं जो जाहली दौर था उसमें लिखने का रिवाज ना था और फिर जब नबीम की आमद हुई तो उसमें जो है शायरी का जो है दबदबा वो कम हो गया उसमें भी नहीं लिखा गया ये शेयर वगैरह लेकिन उसके बाद जो है इसको जमा किया गया है और कुछ लोगों ने इसमें शक किया है कि ये क्या ये हकीकत में जाहली दौर में लिखी गई शायरी है या नहीं तो इसके बारे में कुछ लोगों ने शकूक भी शकु का भी इजहार किया है अलग तो जो जाहली दौर की शायरी है उसमें जो है मुख्तलिफ मौजुआत पे जो है बहस की गई है बहुत मुख्तलिफ मौजुआत लिखे गए हैं तो जाहली दौर की जो शायरी है उसमें बहुत सारे अगराज यानी मकासद थे बहुत ज्यादा अनवा और बहुत ज्यादा कस्में जो है जाली दौर की शायरी में थी उसमें कुछ शायरी ऐसी थी जिसपे फख्र किया जा रहा था यानी शायरी में अपने कबीले पे फख्र किया जा रहा था अपना जो उनका रईसुल कबीला हुआ करता था उस पर फ़्र किया जाता था अपने कबीले की क़वत और ताकत पे फख्र किया जा रहा था और इसी तरह हमासा उनमें पाया जाता था इसी तरह गज़ुल गोई उसमें थी इसी तरह जो है मरसिया निगारी भी पाई जाती थी और इसी तरह वसफ़ गोई की जाती थी किसी चीज़ का जो है डिस्क्रिप्शन जो है खींचा जा रहा था किसी की जो है वसफ़ कशी की जा रही थी या जो रागिस्थान वगैरह थी उनकी भी वसीब कशी की जा रही थी और इसी तरह हिजा की जा रही थी तो हिजू गोई जो थी वो दीगर कबाइल की की जा रही थी और एक दूसरे एक शायर जो था वो दूसरे कबीले को ये चाहता था कि वो उसकी तनखीस करे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो ये उस वक्त जो है हिजू गोई भी चल रही थी तो तौर पर जो शायर हुआ करता था वो जब कोई भी कशीदा शुरू करता था तो वो स्टार्ट कर रहा था अतलाल से अतलाल जो ये लफ्ज़ है ये आप बार बार सुनेंगे इसमें तो अतलाल क्या चीज़ है अतलाल असल में खंडरात है जो अगर जो है कोई भी शायर जो है आमतौर पर जो है उसकी कोई महबूबा हुआ करती थी तो जो महबूबा हुआ करती थी जहाँ पे वो रहते थे पहले तो वो जो इलाका था फिर जब वो महबूबा वहां से चली जाती थी तो फिर वो बात वो शायर जो है वो वहाँ जाया करता था जब वो वहाँ जाता था तो वहाँ वो खंडरात पाता था उसके आसार पाया जाता पाते थे, थे कि यहाँ पे वो जो है रहते थे तो फिर वो उन्ही अतलाल से जो है कसीदे की शुरुआत करता था और फिर उसके बाद जो है वो दीगर मौजुआत की तरफ आता था पहले अतलाल से शुरू करता था जैसे इमरा उल्स का कसीदा हम देखेंगे बाद में इन शिफा नब की मिंज और हबीबी दखूल तो इस तरह करके जो है वो अतलाल से जो है शुरुआत करते थे तो अतलाल क्या चीज है जो शायर की जो महबूबा हुआ करती है वहाँ से जो है शायर शुरू करता था वहाँ के जो खंडरात हुआ करते थे वहाँ से वो शुरुआत करता था और फिर जो है वो दीगर मौजुआत की तरफ आता था तो आमतौर पर अतलाल से शुरू किया जाता था फिर उसके आस पड़ोस में जो चीज़ें वगैरह हुआ करती या जहाँ पे वो रहते थे उसकी वसफकशी की जाती थी फिर जो है अपने महबूबा की वसबकशी कशी की जाती थी और उसके बाद जो है उस वक्त जो शायर था वो उसके बाद अपनी जो उसकी गर्ज हुआ करती मिसाल के तौर पर वो चाहता था कि फ़ख्र करे फिर उसके बाद वो अपने कबीले पर फख्र करता था या वो चाहता था किसी की हिजू करे उसके बाद वो हिजू करता था या इसी तरह जो है उसके दीघर मकासद जो हुआ करते थे वो उसके बाद वो करता था इसी तरह जो नसर उस वक्त था जहली दौर में जो नसर था हमारी जब हम नसर पे नसर देखते हैं कि जाली दौर में जो नसर था वो क्या था जिस तरह से हमारे पास शायरी पहुंची है जहली दौर की उसी तरह से हमारे पास कुछ नसर भी पहुंचा है लेकिन जो नसर हमारे पास पहुंचा है वो बहुत ही कम है वो बहुत ही कम है और चूंकि उस दौर में जिस तरह आज नसर में हम देखते हैं कि ड्रामा है नावल है किस्सा कसीरा है शॉर्ट स्टोरी है तो उस दौर में चूंकि ये चीजें नहीं थी तो इसलिए हम इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखेंगे कि जाहली दौर में हमें नसर का कुछ मिल जाए तो उस वक्त जो दौ जाहली दौर में जो हमारे जो नसर था वो क्या था वो कुछ हिकमत की बातें थी जो कोई बाप या कोई जो कबीले का अच्छा जानने वाला होता था वो अपने कबीले को कुछ नसीहत क्या करता था उनको हम हाँ वसाया बोलते हैं वसाया वसीयत जमा वसाया इसी तरह कुछ जरबलमसा थी आ, कुछ कुछ जरबुलमसाल थी तो वो आम हो गई थी या हमत की बातें थी वो जो है आम हो गई थी जिसको लोग जो है बार बार दोहराते थे जैसे कि वो कहते थे इन का ला तजनी मिन शो के अल इनब इन का ला तजनी मिन शो के अल इनब आप कांटों से अंगूर हासिल नहीं करोगे कांटों से आप अंगूर हासिल नहीं करोगे तो ये ضرب الامثال में से एक मसल है जो अगर हम इसल कोई बंदा है जो बहुत ही बुरा है तो ये कहते हैं कि आप उनसे जो है कोई अच्छाई का अच्छाई की बात हासिल नहीं करेंगे तो, इन्नकला तो इस तरह करके मुख्तलिफ जो है आ, इसी तरह रुबा कभी कभार कोई बात ऐसी होती है वो बात ही जो वो बताने वाला है उसको कहती है कि मुझे छोड़ दो यानी आपने ये आपने ये बात कही ही क्यों जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है इसी तरह अनी फूकी हमारा अहली आपके चेहरे ने मुझे याद दिलाया अपने घर वालों के दो गधे तो ये मसल है इसके पीछे एक वाक्य है कि एक बंदे को जो है दो उसके गधे खो गए थे जब वो खो गए तो वो उनको ढूंढने निकला ढूंढते 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 वो चलता रहा उसकी नजर एक औरत पे पड़ी जब उस औरत या लड़की पे जब उसकी नजर पड़ी तो वो भूल गया अपने दोनों गधे वो अपने दोनों गधे भूल गया और वो उस आ, लड़की के पीछे लग गया तो बाद में जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो वो चेहरा जो था वो कोई खूबसूरत चेहरा नहीं था वो कभी चेहरा था तो उस बंदे ने जब उसकी शक्ल देखी तो उसको उसको अपने गधे दो याद आ गए कि मेरे गधे दो जो है खो गए थे मैं उन्हीं को ढूंढने निकला था तो इस तरह से उसने बोला कि रही अहली तो इस तरह से कुछ जरबल अमसाल जो है वो आम हो गई और इसी तरह हमत की कुछ बातें जो है वो भी आम हो गई इसी तरह खुतबे जो उस वक्त जो लीडर हुआ करते थे चाहे वो रिलजस लीडर हों या कोई और लीडर अगर होता तो वो जो है वो खुतबे दिया करते थे तो वो खुतबे जो हैं वो तारीख की किताबों में मौजूद है तो उन खुतबों में जो है खुश बिन साद अलियादी ये मशहूर है जो इसमें जो है बहुत मशहूर हो गया कि वो खुतबा दिया करता था और उसके मतलब ये भी आया है कि वो सबसे पहला बंदा है जिसने ये कहा कि अम्माबाद जिस तरह हम बोलते हैं ना वसलातुल-सलाम रबीआलत करीम अम्माबाद तो